अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन माय चैनल। तो ये रेसिपी बनाने के लिए हम लोग को चाहिए दो साइज मीडियम साइज़ के अनियन, छोटे छोटे बारीक काटे हुए, एंड एक कैप्सिकम मैंने लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है, 5-6 हरी मिर्च, और एक कटोरी मैंने फ्रेंच बीन लिया है, एंड ये गाजर लिया है, एंड बंदा गोभी। और यहाँ पे मैं एक फुल मैगी का पैकेट यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर लिया है मैंने टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, सोया सॉस, आप रेड चिल्ली सॉस भी ले सकते हैं, एंड थोड़ा सा विनेगर भी ले सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है। एंड 3 eggs मैंने इसमें यूज़ किए हैं। सो एक पैन ले लेना है आपको, एंड उसमें आपको सोया ऑयल डाल लेना है, एंड उसमें ग्रीन चिली एंड अनियन एंड अदरक डाल करके इसको अच्छे से सॉटे कर लेना है टिल इट टर्न्स टू गोल्डन ब्राउन। तो ये आपको देखना है लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको फ्राई कर लें। तब तक हम देखते हैं कि मैं सॉस बनाती हूँ वो इसमें मैं यूज़ करती हूँ। तो वो सॉस आपको कैसे बनाना है, आप 4 tablespoons ले लीजिए टोमेटो सॉस का, 2 tablespoons ले लीजिए ग्रीन चिली सॉस का, 1 tablespoon ले लीजिए सोया सॉस, 1 tablespoon ले लीजिए आप विनेगर, ऑप्शनल है विनेगर आप लीजिए नहीं लीजिए आपके ये पे है। एंड उसके बाद उसमें मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा चीनी एंड 4 से 5 tablespoons वाटर, एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। एंड ये मैगी का जो मसाला आता है वो मैं इसमें ऐड करके सॉस के साथ में मिक्स करके एक थिक सा पेस्ट मैं तैयार कर लूँगी। एंड इसमें वाटर डालना है वही आपको 4 tablespoons, और उसके बाद इसका थिक पेस्ट बना लीजिए एंड इसको आप सेपरेट कर लीजिए। तो ये बन गया हमारा जो क्या बोले स्पेशल सॉस है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने मैगी बनाने में। तो ये सॉस को आप बना करके सेपरेट रख लीजिए। एंड यहाँ पे हम लोग फिर से आते हैं अपने पैन में, एंड यहाँ पे आप ऑनियन को अच्छे से चलाइए एंड इसको अच्छे से फ्राई कीजिए टिल इट टर्न्स टू गोल्डन, लाइट गोल्डन ब्राउन। एंड इफ़ न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मुझे ऐसे सच वीडियोस के लिए, एंड लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड मैं और भी वीडियोस आप लोग के लिए लाऊंगी, तो स्टे ट्यून रहिए। और इस सॉस में मैंने थोड़ा सा चीनी डाला है, वही एक चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा है वो आप डाल लीजिए, एंड मेक श्योर कीजिए नमक डालने टाइम में आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए क्योंकि सोया सॉस में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है। ऑनियन फ्राई करने के लिए 4 tablespoons ऑयल लिया है मैंने। जैसे अनियन गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो यहाँ पे मैं 3 eggs लेकर के उसे इसमें डालूंगी और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। एंड इसको स्क्रम्बल्ड एग नहीं करना है आपको, थोड़ा बड़ा छोटा मिक्स वाले टाइप में रखना है। एंड आप इसमें सॉल्ट ऐड कर लें ताकि एग में वो सॉल्ट अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए क्योंकि हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे। तो अच्छे से एग को फ्राई कर लीजिए। तो जैसे एग अच्छे से फ्राई होता है अपने स्टोव के फ्लेम को लो करके एग से एक्सेस ऑयल हटाते हुए आप इस तरीके से ऑयल हटाते हुए इसको रिमूव कर लीजिए एंड साइड में इसको प्लेस कर लीजिए। तो अब उसी पैन में मैं यहाँ पे जो कैप्सिकम है उसी ऑयल में, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं यूज़ किया, उसमें मैं कैप्सिकम डालूंगी एंड ये कैबेज डाल रही हूँ एंड फ्रेंच बीन एंड गाजर, ये सब कुछ को डाल करके इसका जो कच्चा कि थोड़ा सा रॉनेस है वो निकाल लेना है। अब इसका कच्चापन हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग को पूरा नहीं निकालना है क्योंकि आप अगर चाउमीन या मैगी खाओगे तो उसमें जो बाइट्स होते हैं ना वेजीज़ के बाइट, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। अब कोई पका सब्जी से तो मैगी नहीं बनाएगा, तो कीप दैट इन माइंड। तो इसका रॉपन आप प्लीज़ रखिए, इसमें पूरा कुक ना कर दें, एंड इस वक्त हम लोग इसमें कोई भी सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है एंड इसका बस रॉपन आपको निकालना है। मैंने इसमें ग्रेटेड वाले गाजर या कैरेट यूज़ किए हैं, इसलिए मैं इसको लास्ट में डाल रही हूँ क्योंकि बाकी सब्जी को आप देखेंगे तो वो थोड़े बड़े थे पीसेस में, तो ये लास्ट में आप डालना है। और इसमें सॉल्ट मत डालेगा, नहीं तो फिर सॉल्ट डालने से ये वाटर रिलीज़ करना शुरू करेगा, तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर बस फ्राई करके उसको सेपरेट रख लेंगे। नाउ आई एम टेकिंग द सेकेंड पैन एंड इसमें मैंने 3 tablespoons और सोया ऑयल डाल लिया एंड सॉस डाल करके इसको अच्छे से थोड़ी देर फ्राई कर लेना है। जैसे सॉस हमारा थोड़ा सा थिक होगा उसके बाद हम लोग वेजेस डाल के इसको भी सॉस के साथ में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, लाइटली फ्राई करना है आपको 2 minutes। तो नाउ अब जैसे कि हमारा वेजेस
एंड सॉस एक दूसरे से इनकॉर्पोरेट जाता है। तो हम लोग उसके बाद इसमें जो फ्राई किया हुआ हम लोग एग सेपरेट करके रखे थे वो सारा एग्स इसमें ट्रांसफ़र करके इसको भी अच्छे से सॉस के साथ में फ्राई कर लेंगे अगेन फॉर 2 मिनट्स ताकि सॉस का कोटिंग हो जाए। एंड उसके बाद ये हम लोगों ने बॉयल कर लिया था 4 पैकेट में मैगी को सिंपल वाटर में और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला था और इसको ड्रेन आउट कर लिया था। एंड उसके बाद फिर इसको इस सॉस में डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। और अगर इस टाइम आप चेक कर लीजिए अगर आपको सॉल्ट का ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से, नहीं तो फिर आप देखिए कि सोया सॉस में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है तो ये चेक करके आप इसमें सॉल्ट ऐड कर लीजिए। आई होप कि आपको ये मेरे स्टाइल का मैगी अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट है स्टाइल में, मैं और भी आपको डिफरेंट स्टाइल के मैगीज दिखाऊंगी। तो ये मेरा एक स्टाइल है बनाने का, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट चाहते हैं, लुक चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं अपने मैगी में तो आप ये स्टाइल में ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आऊँगी और भी रेसिपीज़ के साथ एंड इसी तरीके के सिंपल रेसिपीज़ जो आप ट्राई करें। एंड बहुत ईजी है बनाना, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। इफ़ अगर मैं बना ले रही हूँ ना तो आप ये बना लोगे, तो आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको कंप्लीट दिखा दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन बाय गाइज़।